हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, स्टूडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप एक क्रिएटर हैं और अपने एडसेंस अकाउंट से बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ रहा है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को कम्प्लीट जानकारी दूंगा। आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीका से स्विफ्ट कोड किस प्रकार से निकाला जाता है अपने बैंक का, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, काफी नॉलेजबल होगा। अगर आप भी अपना स्विफ्ट कोड निकालना चाहते हैं अपने बैंक को, तो इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे निवेदन, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट, और चैनल पर नए हैं चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर सो आप ऑनलाइन तरीका स्विफ्ट कोड निकालना चाहते हैं, उसके लिए इस वेबसाइट तक आपको पहुंचना होगा, ठीक है। तो वेबसाइट तक पहुंचने का तरीका मैं आप लोग को बता देता हूं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, लिंक पर क्लिक करेंगे आपको इस वेबसाइट तक पहुंचा देगा। अब दोस्तों, यहां वीडियो को ध्यान से देखना है, मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपना बैंक का स्विफ्ट कोड किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। जब वेबसाइट को ओपन करते हैं आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, आप नीचे को आ जाना, ठीक है। नीचे को आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अपने बैंक का आईएफएससी कोड भी निकाल सकते हैं, MICR कोड भी निकाल सकते हैं, एक नीचे देख सकते हैं स्विफ्ट कोड नजर आता होगा, एक BCR कोड, तो ठीक है। यहाँ पे काफी सारे कोड है, लेकिन हम मुझे जरूरी है स्विफ्ट कोड निकालने के लिए, तो फाइंड स्विफ्ट कोड नजर आता है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे सो फाइंड स्विफ्ट कोड पर क्लिक करते हैं, आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब उसको नीचे को स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे को जब आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे कंट्री का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री के अनुसार जाना है, तो मैं इंडिया से हूँ, आप लोग भी इंडिया से हैं, तो यहाँ पे सिंपल से आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको आई वाला मान जाना, ठीक है। देख सकते हैं आई वाला सेक्शन माना है, देख सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेट के रूप में दिया हुआ है, तो आपको आई वाला सेक्शन माना, जैसे आई वाला सेक्शन में आते हैं तो इंडिया मिल जाएगा, इंडिया स्विफ्ट कोड नजर आता होगा, ठीक है। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार से आ जाता है। अब दोस्तों, यहां से आपको अपना बैंक का डिटेल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हैं सेलेक्ट योर बैंक हेयर, ठीक है, कहां है बैंक को सेलेक्ट करने के लिए सिंपल से इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेलेक्ट योर बैंक हेयर पर क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे जितने भी बैंक है इंडिया में सबका सब यहाँ पे बैंक शो हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो भी बैंक होगा दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मेरा SBI में है, तो मैं SBI को बताने वाला हूँ। तो अगर आपका इलाहाबाद बैंक होगा या आंध्रा बैंक होगा, जो भी बैंक होगा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चुनने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अल्फाबेट में दिया होता है, तो आपका SBI का है, तो सबसे नीचे आ जाइएगा SBI। तो चलिए यहाँ से फटाफट मैं चुन लेता हूँ SBI बैंक को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नजर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप नीचे आ जाना है, नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है सेलेक्ट योर बैंक हेयर, कहाँ पे स्थित वो यहाँ पे आ जाना है। जैसे सेलेक्ट बैंक हेयर पर क्लिक करते हैं, आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी का ब्रांच का नाम आ रहा है, ठीक है। मैंने SBI सेलेक्ट किया था, SBI के जितने भी ब्रांच है इंडिया में वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक बार फाइंड करना होगा, आपको याद होगा, आपको जानना होगा कि आपका SBI जो बैंक है किस ब्रांच में आता है, समझ गए होंगे। तो आपको सिंपल से समझ लीजिए, आपका जो बैंक होगा किस ब्रांच में आता है वो आपको पता होना चाहिए, तब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से आपके जो अगल बगल में यहाँ पे कुछ नाम नजर आते होंगे, जैसे मान के चलिए मैं झारखंड से हूँ, और झारखंड से मैं छोटा सा गाँव से बिलोंग करता हूँ, जो मेरा मेन ब्रांच कहाँ होगा, रांची में होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका मेन ब्रांच कौन सा है, तो आपने अगल बगल का जो सबसे नज़दीक वाला बैंक होगा ना, उसको आपको चुनना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं फटाफट चुन लेता हूँ। ब्रांच चुन लेने के बाद यहाँ पे फिर से नीचे को आ जाना है, नीचे को आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे नजर आता होगा सेलेक्ट योर बैंक हेयर, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कमर्शियल ब्रांच नजर आता होगा, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंट्री इंडिया, और सिटी देख सकते हैं मेरा सिटी जो था वो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे आपके पास नजर आता हो स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट देख सकते हैं कोड नजर आता होगा, देख सकते हैं आपके पास येलो कलर में नजर आता हो स्विफ्ट कोड। फाइनली ये आपका स्विफ्ट कोड है, यहाँ सब कॉपी कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको जो आपका होगा जहाँ पे आपको फिल करना है एडसेंस अकाउंट में, वहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर आपको आपका मेन ब्रांच आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है, और ऑनलाइन तरीका से खोजना चाहते हैं, तो ये बेहतर ढंग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप गलत अगर टाइप कर देते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप ऑनलाइन तरीका से आप नहीं फाइंड कीजिएगा, आपको ऑफलाइन तरीका से अपने बैंक में ही जा करके आपको पता करना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि मेरा ब्रांच कहाँ है, पूरा कन्फर्म है, तब आप ऑनलाइन तरीका से फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले एडवांस दे रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपको स्विफ्ट कोड मिल गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, किसी पर का डाउट या कन्फ्यूजन और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।